होली का त्यौहार खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने आज ताबड़तोड़ हमले के जरिए बता दिया कि बिहार में अब फेस्टिवल मूड खत्म हो गया है और सियासी मिजाज एक बार फिर से गर्माएगा। तेजस्वी ने आज सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। बिहार में लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में भारी लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। हर विभाग के अनुमानित बजट और वास्तविक व्यय में भारी अंतर होता है। या मैं नहीं, सीएजी की हर वर्ष की रिपोर्ट कहती है। समय लगे तो सीएम को स्वयं विगत 10 वर्षों की सीएजी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करते हुए पूछा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी बताए कि 8 से 10 वर्ष बाद भी प्रशासन और उनके विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा कर पाए हैं। अगर सब कुछ पारदर्शी है और सही है तो फिर 10-10 वर्षों की देरी क्यों? क्या आप नैतिकता और कर्तव्य बोध को बेच जनता का पैसा लूटने और लुटवाने के लिए गद्दी पर बैठे हैं? तेजस्वी ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में शिक्षण के 56% और गैर शिक्षण के 70% पद खाली हैं। योजना मद का आधा हिस्सा खर्च होता है, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। कागजों में बजटीय राशि खर्च करने के लिए मार्च में सबसे बड़ी लूट होती है। वर्षों से सभी विभागों के हजारों लाखों करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। तेजस्वी के इस निशाने पर जेडीयू क्या जवाब देता है, इसका इंतजार है। गौरव के बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता और विपक्ष के सियासी संबंधों के बीच ऐसी कड़वाहट पैदा हुई है जो बिहार के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी। अभी पिछले हफ्ते तो अति ही हो गई थी जब सदन के अंदर पुलिस बुलानी पड़ी। दरअसल ऐसा नहीं है कि अतल की अचानक बढ़ी है। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव बेहद कम अंतर से जीतने के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संबंध बेहतर नहीं रहे हैं। इसकी शुरुआत 16 नवंबर को ही हो गई थी जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्ष ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था। तब से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आए दिन टकराव बढ़ने लगे हैं। इसी दौरान अनुमन शांत रहने वाले सीएम नीतीश कुमार भी कई जगहों पर आपा खोते दिखे, यह भी सियासी चर्चाओं में रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।